गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी साहित्य जगत को काला जल जैसा विख्यात उपन्यास देने वाले गुलशेर अहमद खां शानी ने गर्दिश के दिन नाम से अपना आत्मव्रत लिखा था, जो सरिका पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। आज हम उनके उसी आत्मव्रत गर्दिश के दिन का वाचन कर रहे हैं। किसी छोटे से कस्बे में एक अमरूद का पेड़ था, जिसके नीचे चट्टान जैसा भूरा पत्थर पड़ा हुआ था। उस पर एक दिन एक औरत बैठी रो रही थी। वह एक बहुत बड़े हवेली नुमा मकान का सामंती अहाता था, जिसकी दीवार के किनारे किनारे लगे जिमीकंद के पौधे धूप में अक्सर चिलचिलाया करते थे। पता नहीं वह दिन का कौन सा वक्त था। 5 या 6 बरस का मैं अपनी माँ को ढूंढता हुआ उस औरत के पास जा पहुँचा था और बेत से उधड़ी हुई उसकी पीठ देखते ही उसकी गोद में मुंह छिपाकर मैं अचानक रोने लगा था। न तो मैंने कुछ पूछा था और न उसने कुछ बताया था, लेकिन फिर भी मेरी आंखों के आगे अपने अब्बा का रोबीला और गुस्सेल चेहरा उभर आया था। मैं अब्बा से बहुत डरता था, वह औरत भी डरती थी, लिहाजा हम दोनों एक दूसरे से चिपट कर खूब रोए और देर तक रोते रहे। वह औरत मेरी माँ थी, हैसियतदार और रियासती पठान अमीर की छोटी बहू, और अब्बा के हरम की दूसरी बेगम, एक ऐसी शरीक हयात जिसे बहुत जल्द उस हरम से बाहर होना था। कई साल बाद जब वह मरी तो बिल्कुल अकेली थी, हम में से किसी ने उसका मुंह नहीं देखा था। शालवान से घिरी और शंखिनी नाम की एक शोक नदी के किनारे बसी वह छोटी सी तहसील एक तरह से गांव थी, सरकारी अफसरों और मातहतों का गांव। अंधेरा होते ही वहाँ रात हो जाती थी और आसपास का सारा वीरान जंगल काली पहाड़ियों और ताड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों में घुलकर ऐन हमारे क्वार्टर की छत पर झुक जाता था। हर रात बेहद लंबी होती और जितनी लंबी होती उतनी ही सोनी भी। वह अजीब वीरानगी थी जो ताड़ के पत्तों के शोर, चट्टानों पर शंखिनी नदी की अनवरत पछाड़ खाती आवाज़ और रेतीले कगार के टूटते छपाकों से घटने के बजाय बढ़ती और दहशत पैदा करती थी। मैं 10 साल का था। आबाई मकान और पुश्तैनी कस्बा हम पीछे छोड़ आए थे और पिछली अमीरी रियासत भूलने की कोशिश कर रहे थे। जिन अदालतों में हमारे दादा जान मुख्तार की तरह जाते थे, अब वहाँ अब्बा एक मामूली पेशकार होकर काम कर रहे थे। न वह हवेली नुमा मकान रह गया था, न वह हरम और न वह बेगम है। सरकारी और किराए के घर में शरीफ बीवी के बदले एक हसीन औरत बैठी हुई थी। अब्बा की वह दाश्ता जिसके लिए खान घराने की छोटी बहू या मेरी माँ कभी की बाहर हो चुकी थी और हम लोगों के लिए जैसे मर खप गई थी। वह हसीना हमारे घर पर कोई 3 बरस रही। 3 बरस तक हमारा घर समाज से यूं कटा रहा जैसे हम बिरादरी बाहर हों। उन 3 बरसों में न तो हमारे यहाँ कोई आता था और न हम कहीं जाते थे। यही नहीं, उस एक घर में जैसे 2 दुनिया थी, एक अब्बा की और दूसरी हमारी। दरअसल बड़ी आपा, मैं और छोटी बहन, हम 3 बच्चों का एक सहमा हुआ यातनामय संसार था, जिसमें हमारे अब्बा कभी नहीं आते थे और कभी आते भी थे तो सिर्फ दहलीज तक। आपा मुझसे कोई 4 बरस बड़ी थी, हर लम्हा खामोश और कुछ सोचती हुई। असल में वह सोचती कम, नफ़रत और गुस्से से खोलती ज़्यादा थी। मैं ज़्यादातर सहमा हुआ रहता था, हर पल चौकन्ना, कुछ न कुछ सूंघता और टटोलता हुआ, जैसे किसी नामालूम से तलाश में रत हूँ। इस तलाश में कई गुना बेचैनी बढ़ जाती थी जब अब्बा अदालत से घर लौट चुकते थे, और ख़ासकर तब जब वे रात गए उस दाश्ता के साथ अपने कमरे में बंद होते थे। एक ऐसी ही रात जब मेरी तलाश खत्म हुई तो झूमते हुए ताड़ के पत्तों का शोर, चट्टानों पर पछाड़ खाती शंखनी नदी की आवाज़ और रेतीले कगारों की टूटती छपाकी कई गुना डरावनी होकर मेरे भीतर कहीं बहुत गहरे बैठ गई थी। हाई स्कूल की क्लास थी। शिक्षा विभाग के कई बड़े अफसर स्कूल की जांच के लिए आए थे।
बारी बारी से क्लास के हर लड़के से उसका नाम, पिता का नाम, पेशा और खासकर यह पूछा जा रहा था कि उसके जीवन की महत्वाकांक्षा क्या है या कि वह क्या बनना चाहता है। आज से 20 बरस पहले जगदलपुर और भी छोटा और मरियल सा कस्बा था। कॉलेज की वहाँ कल्पना भी नहीं थी। बड़े घरों के लड़के ऊंची तालीम के लिए BHU, इलाहाबाद या अलीगढ़ जाया करते थे। मेरे लिए तो अलीगढ़, रायपुर, सागर जाना भी दुश्वार था। बाहर जाकर पढ़ने के लिए जितने पैसे हर माह चाहिए थे उतनी अब्बा की तनख्वाह थी। वैसे भी मैं स्कूल भिजवाया या पढ़ाया जा रहा था इसलिए नहीं कि आगे चलकर मुझे कुछ बनना है, बल्कि इसलिए कि मैं अनपढ़ न रह जाऊँ। अपनी बारी आने पर मैं सहम गया, क्योंकि मैंने कभी इस तरह सोचा भी नहीं था। न तो मैं क्लास का आदित्य छात्र था और न मेरा कोई वैसा ही भविष्य था। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, मजिस्ट्रेट या फौजी अफसर से अलग और बिल्कुल अलग मैं कुछ बनना ज़रूर चाहता था, लेकिन क्या, ये मैं खुद भी नहीं जानता था। पता नहीं सर, मैंने धीरे से जवाब दिया था। खूब, उस अफसर ने सारी क्लास को संबोधित करते हुए हंसकर अंग्रेजी में कहा, भाई अपने दोस्त मियाँ गुलशिर खान से मिले, कहते हैं कि इनके जीवन में कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, क्या सब्जेक्ट्स लिए हैं। खूब खूब, क्यों मियाँ, क्या मेल नर्स बनोगे। 40 लड़कों का एक मिला जुला ठहाका उठा था और क्लास की छत से टकरा कर सबका सब एकदम मेरे भीतर उतर गया था। यह आवाज़ इतने बरसों बाद आज भी मेरे भीतर बाकी है। वह पटरी पर बैठी थी मेहंदी रची हथेलियों में, अपना मुंह छिपाए और अपने ही उठे हुए घुटनों पर झुककर दोहरी होती हुई वह लड़की जैसे शर्म के मारे धनुषाकार हो गई थी, बिल्कुल दुल्हन जैसी गठरी। मेरी छाती धोंकने की तरह उठ बैठ रही थी, धड़कनें तेज थी, थके हुए घुटने कांप रहे थे और आवाज़ गले में खुश्क हो रही थी। मैंने उसे उस संबोधन से पुकारा था जो अब हमारे बीच केवल रस्मन या आदतन रह गया था और जिसका कोई मतलब नहीं होता था। वह उसी तरह मुँह छिपाए बैठी रही, नहीं बोली। फिर पुकारा, फिर वह नहीं बोली तो मैंने उसका सिर उठाया और हथेलियों में छिपे हुए उसके शर्मसार चेहरे को धीरे धीरे खोला। देखा कि पीठ की ओर ढलकी हुई गर्दन पर खिला हुआ उसका चेहरा फूल जासनी हो रहा है और बंद पपोटे धीरे धीरे थरथरा रहे हैं। मैं वहाँ से चला आया। वह मेरी प्रेमिका थी, मुझसे उम्र में 5 बरस की बड़ी और वे एक विवाहिता स्त्री जिसका पति भी था और बच्चा भी, और हमारा रिश्ता सामाजिक दृष्टि से इतना वर्जनापूर्ण था कि उसमें संबंधों की वैसी परिणति घोर अनैतिक थी। मेरे लिए ये और भी, क्योंकि मैं तब अच्छा और नेक लड़का था, 100% मजहबी और जन्नती। मैं नहीं जानता था कि यह परिणति ही उस प्रेम का अंत है। फिर अंत प्रेम का ही नहीं हुआ, और भी बहुत से नाजुक, खूबसूरत और इंद्रधनुषी लगने वाले भ्रमपूर्ण डोरों का भी हुआ। उन सब डोरों का जिन्होंने मेरे सारे व्यक्तित्व को रेशमी गिलाफ सा पहना रखा था। यह पहला और ज़बरदस्त मोहभंग था। यह स्वीकार करना आसान नहीं था कि जो किताबों में है ज़िंदगी उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, और जो ज़िंदगी है उसका किताबों में दूर दूर तक कहीं पता नहीं। दरअसल मेरी अकेली यात्रा या तलाश का आरंभिक बिंदु यही था, क्योंकि जब आप सबके साथ होते हैं तो अपने साथ नहीं होते, और जिस दिन आप अपने साथ हो लेते हैं बाकी सबसे कट जाते हैं। इसी अपराध भार, अकेलेपन, अंतर्द्वंद, संदेह और तलाश में मैंने चुपचाप कलम उठा ली थी और किसी को कानों कान पता नहीं था। मैं लेखक बन गया था क्योंकि यही मेरी नियति थी। मैं और कुछ हो भी नहीं सकता था। अतिरिक्त तनावों, दबावों, हीन भावनाओं और अनेक ग्रंथियों का शिकार, शायद ऐसे ही हर एक मंडवे की तलाश में या जिससे मैं अपने आप को छिपा सकूं। लेखन मेरे लिए वैसा ही शरण स्थल था। मेरे सामने न तो कोई सामाजिक उद्देश्य था और न किसी प्रकार की प्रतिबद्धता। मैं किसी सामाजिक या राजनीतिक आंदोलनों से परिचित नहीं था और न किसी सामाजिक अन्याय ने मुझे लेखन की ओर प्रेरित किया था।
लिखना मेरे लिए नितांत व्यक्तिगत, निजी और गोपन यंत्रणाओं से मुक्ति और कुछ तंग करने वाले प्रश्नों से जूझने का माध्यम था और आज भी है। मेरी रचनाएं इलाहाबाद और बनारस की कुछ प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छपने लगी थी। कुछ प्रशंसाएं मिली थी, पत्र आने लगे थे और मुझे हल्के से अपनी विशिष्टता का एहसास होने लगा था। यह अच्छा और बुरा दोनों था, क्योंकि जहां इसने रहे सहे एकाध दोस्तों से काटकर सारे कस्बे में मुझे अकेला कर दिया था, वहीं यह अवसर भी दिया कि मैं अपनी छोटी सी दुनिया गढ़कर उसमें डूब जाऊं। वह दुनिया थी मेरा छोटा सा कमरा, जिसमें कभी कभी सिर्फ धनंजय वर्मा आया करता था।